आर नोडे तीन नंबर जर्सी अंकिता सिंह मुई है तेगु कटाई ना और इस तरह से यहां पर रानीगंज गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी की टीम ने इस टाइडर कर में सडन डेथ ने आखिरकार अभी नेहा का शॉट लेकिन रोक लिया है गोलकीपर रानीगंज के ज्योति सिंह ने और इस तरह से पहला शॉट यहां पर माफ कीजिएगा यहां बांकुड़ा की गोलकीपर सुलता पद्मासो और उसके माध्यम से पहला शॉट को रोका गया है और नेहा का शॉट नेहा अच्छी प्लेयर है मैंने उनको देवघर की टीम से भी खेलते हुए देखा है बड़े चर्चित फुटबॉलर है लेकिन जिस जगह पर शॉट लगाई थी गोलकीपर सेम जगह पर निकल गए और डाइव लगाती भी गेंद को रोक ली थी और अब ज्योति सिंह रानीगंज के गोलकीपर और उसके सामने है बांकुड़ा के पहला खिलाड़ी स्ट्राइक लेने के लिए बहुत सुंदर टीम के कैप्टन का यह गोल बांकुड़ा 1-0 की बढ़त के साथ पहल नोड़े नुकु हरियर लील वाला टीम को गोल कदा नाते कोई बोल को रानीगंज गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी टीम ठे कोई ओकोटा टीम नोड़े कोई को जीतो बा छदाजे बनार से कोई पुपुन गोटे खिलाड़ी बिना को आर नुआ ट्राइबर कर दो मीटे न्यू तोड़ा लिखा कदा पांच नंबर जर्सी हरो का खिलाड़ी मुस्कान खान सेकंड स्थान पर शॉट के लिए आई है खेल तो बहुत सुंदर खेल रही थी फुलबैक से कद ऊंचाई काफी लंबी है और इसी के साथ गोलकीपर यहां पद्मा ने एक और सेव कर ली और इस तरह से बांकुड़ा टीम के लिए इस मुकाबले में पकड़ को मजबूत करती हुई बांकुड़ा रन गोलकीपर बबार धाय बंचावा ने बंगाल वाला और नोटे खो नेलदा रानीगंज टीम लगातार नोड़े गलती हुई तुल नेलबोन चिलका नोड़े पसे नोड़े गोलकीपर रे चेंजिंग हुई करा नियधा नोड़े मुस्कान खान गोलकीपिंग लगी है करा और कोई रेगुलर गोलकीपर के ना ज्योति सिंह उन्हीं दा थोड़ा गन आराम हो लगी को मिटाओ दिया आदित्य नोटे खो नेलबोन सेकंड गोल दगा दड़िया के ना शिवम खतरा बांकुड़ा रन 12 नंबर जर्सी और डी बेहतरीन गाते ही करा सुष्मिता बेहरा सेकंड गोल को दो टीम लगे गोल ले और ये गोल क्या बेहतरीन शॉट लगाई है कि वहां तक गोलकीपर का पहुंचना बहुत ही मुश्किल था और इस तरह से अभी भी 2-0 की बढ़त बीएसजेपी फुटबॉल एकेडमी खतरा बांकुड़ा वेस्ट बंगाल की टीम धीरे धीरे उनका पकड़ इस मुकाबले में और ज्यादा मजबूत होता हुआ नियलबुन छिल करा नवा शॉट यार हो नतीजा हुई दड़िया के ना जर्सी नंबर 10 नाते को है इकना नी तो छिल करा शॉट लगाओ दा फुटबॉल रिया अड़ी जानकारी बिना पाई गया जानकी मुंडा काबिलियत रखती है और ये शॉट लेकिन इस बार भी गोलकीपर ने जज कर ली थी पद्मा थोड़ा सा वहां डाइव लगाने में थोड़ा सा लेट कर गया अन्यथा रोक सकती थी लेकिन उसकी किस्मत रानीगंज गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी की टीम की उनका गोल कीपर के नीचे से गेंद अंदर चली गई और इस तरह से एक खाता खुल चुका है और खतरा बांकुड़ा बंगाल की तरफ से यह तीसरा शॉट होगा नेलबुनवा तीसरा शॉट 15 नंबर जर्सी हरो का खिलाड़ी सीमा कुमारी अब देखना है गोल कीपर को भी अब बचाना होगा रानीगंज के जो बदलाव के तौर पर आई है और ये शॉट और खूबसूरत गोल बांकुड़ा की टीम 3 में 3 गोल कर चुकी है और रानीगंज गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी 3 में 1 गोल मात्र हुआ है लेकिन अब चौथा शॉट रानीगंज गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी टीम की ओर से यहां भी गोल लगना होगा लेकिन यहां पर पूजा कुमार ने जिस तरह से खेल दिखाई थी 11 नंबर जर्सी पहने भी 2 गोल जिस तरह से कर दिखाई है लेकिन पूजा कुमारी ने जरूर लोगों का दिल को जीता है और ये शॉट और शानदार गोल और ये शॉट अब बांकुड़ा की ओर से वो विनिंग शॉट हो सकता है 11 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी मोनिता कुमारी अगर यहां गोल दाग देती है
तो खतरा बांकुड़ा की टीम क्वालिफाई कर जाएंगे क्वार्टर राउंड में। अब आपकी बार, यहां भी गोलकीपर में लगातार बदलाव, नए गोलकीपर इस बार आई है। अब क्या वो अपने टीम को बचा पाएंगे या नहीं? नोडे बांकुड़ा रेन 11 नंबर रोका मनीता कुमारी गोलदास। जी हाँ, मेनखा नोडे बचलाओ थोड़ा गन बाहर थे। और इस तरह से रानीगंज फुटबॉल एकेडमी की टीम अभी भी उम्मीद जिंदा है अभी भी इस मुकाबले पर। अब देखना है वापसी करने के लिए रानीगंज के पांचवें स्थान पर खिलाड़ी इस समय आती हुई शॉट लगाने के लिए। बहुत सुंदर खेल दिखाई है रोशनी ने और देखना है अपनी टीम की जो जो धीरे धीरे जो लड़खड़ाती हुई पारी को संवारने के लिए इसमें रोशनी एक नए रोशनी लेकर अपने टीम के लिए एक चिराग बनकर आई है। रोशनी बास की नुआ पांचवा शॉट, रानीगंज टीम नुआ अगर गोल का तीसार गोल हुई हुआ बनार नोकाकिन पयो नेपाव ना जे पोटाकिन जितो आ बुझे बांग यमकडा हार नोडे अर्जुन हार रोशनी बास की अडी मोजे गोल किदा तराम बड़ा थे बहुत कुछ नियल तुम्हें नान मैंने कहा घुड़ा की दिल्ली नहीं सी मैंने कहा टीम मुझे गाती किना रोशनी है लड़ा आतर किधर इन्हें करता था। हार नीतो नुआ मैच हो नुआ शॉट हो मैच रे जीते वाला शॉट करा ये भी जीतने वाला शॉट है। यहां भी गोल होगा तो बांकुड़ा के पक्ष में मुकाबला चला जाएगा। और ये शॉट और इस तरह से यहां पर बहुत तुरंत गजुरंत की बुझे की तब से कोबरा छा और सीधा नुकाय शॉट के दाजे हमते नहीं गोल कीपर में ना कटा थी रोलता की इन्हें बे बे शॉट करा और बनार की पांच पांच रे दो बराबर और जीवनदान मिलता हुआ रानीगंज की टीम। एक समय तो लग रहा था कि रानीगंज की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर निकलने के करीब है लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और किसने सोचा था ये मैच शुरू से ही उठा पटक बना रहा। मैच में भी दो गोल से रानीगंज बढ़त बना रहे थे तो लग रहा था कि रानीगंज जीतेगी लेकिन दो गोल से रिटर्न करने के बाद मैच फिर इंटरेस्टिंग हुआ। इस मैच में भी वही चीज हुआ और सडन डेथ में ये गोल आठ नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी और प्रिया कोड़ा ने गोल दागी है। और अब जर्सी नंबर थ्री पहने हुए खिलाड़ी अंकिता सिंह इस बार जाती हुई बांकुड़ा की तरफ से यह लोन चील करना शॉट लगा हुआ है। मां हरिन विजय कर गया नवा मैच को मेमदार नुई हो जितो भनी हो जितो बना के उन्हें बना रहे टीम भी फेवरेट इन मोई टीम करना कि जे बुझे बांग यमो करना कोई टाको हरा पी बांग चला जे बनार की मोने जीवी की जीते उतर करा और कोई दिन दुलड़िया कोई दिन रुवड़िया पला सिचुएशन है करना नोटे और कोई टाको को जीते वा कोई टाको हरा वा यार नोटे तीन नंबर जैसी अंकिता सिंह मुई है तिंगु कटाई ना रानीगंज गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी की टीम ने इस टाइब्रेकर में सडन डेथ में आखिरकार जीतना यहां पर जीत दर्ज करते हुए और खुशी का कोई ठिकाना नहीं। खिलाड़ी जिस तरह से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं जश्न मना रहे हैं और यहां पर बांकुड़ा की टीम को यहां पर यकीन नहीं हो रहा है कि इतना क्लोज ये मैच को ये गंवा चुके हैं। यही तो है फुटबॉल मैच।